बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है महनूर का किचन और मैं हूँ महनूर की मम। क्या हाल है हमारी यूट्यूब फैमिली का? हम तो ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? पी की तरफ आज हम बना रहे हैं आलू बैंगन का सालन। तो मेरे तो ये बहुत फेवरेट है, मसाले वाले मैं बनाती हूँ ज़्यादा, मैं इसमें आलू नहीं डालती। तो देखते हैं क्या कुछ चाहिए। तो आलू बैंगन बनाने के लिए मैंने दो प्याज लिए जो कि मीडियम साइज़ के हैं, और तीन टमाटर लिए। आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं, मुझे ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने ज़्यादा लिए हैं। और दो बैंगन हैं और थोड़े से आलू हैं। तो शुरू करते हैं। तो बैंगन, आलू बैंगन मैंने काटे नहीं, काट के रखो तो काले हो जाते हैं, तो इसलिए मैं साथ ही साथ करूँगी इनको रेडी। तो प्याज मैंने काट लिया है, इसको फ्राई करने के लिए रखते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई ली है, तो इसका मैंने पैन ऑन कर दिया, तो इसमें मैं ऐड करती हूँ ऑयल, जो कि मैं 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर मैंने ऑयल ऐड किया है। तो इसके इसमें हम कर देते हैं प्याज ऐड, इसको फ्राई करते हैं, हल्का सा गोल्डन होने पे मिलते हैं। तो प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें ये 1 टीस्पून लहसुन का ऐड कर दूँगी, जो कि बहुत बारीक नहीं पीसा हुआ, थोड़ा मोटा ही है, तो इसी में गल देता हो जाएगा मिक्स। तो साथ ही ये मैंने टमाटर काट के रखे हैं, तो ये ऐड कर दूँगी फ्राई करने के लिए। तो अब ये तीन बड़ी बड़ी सब्ज मिर्चें हैं जो मैंने काट के रखी हुई हैं, तो ये इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है अच्छे से, तो अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त से ऐसे मसाले होंगे। ये 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून नमक। इनको हम मिक्स कर लेते हैं। पानी डाल देते हैं 2 टेबल स्पून के बराबर, ताकि हमारे मसाले जले ना। तो अब मैं इसमें ये 1 टीस्पून अदरक का ऐड कर दूँ, तो मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें सब्जी ऐड कर दूँ। आलू मैंने 200 ग्राम लिए हैं, जो कि मैंने काट के छिलका उतार के वॉश करके काट लिए हैं, इनको डाल देंगे। बैंगन ये मैंने एक का छिलका नहीं उतारा, इसको छिलके समेत ही काटा है, और दूसरे का मैं छिलका उतार के डाल रही हूँ। आप जैसे चाहें, आपकी मर्जी हो आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने दूसरे बैंगन का छिलका उतार लिया है, उतार के काट लिया है, तो इसको भी डाल दिया। मैंने आलू कम डाले हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा बैंगन का मसाला चाहिए था, इसलिए मैं आलू कम डालती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, इसी तरह मैं इसका कवर लगा दूँगी, दम वाली आंच कर दूँगी। तो 20 मिनट के बाद देखते, 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसका लिड उठा के देखते हैं। एक दफ़ा मैंने लिड में देखा भी था, तो लगता है हमारी गल चुकी है। तो अब हम इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। यहाँ पे स्टेज पे आके मैं इसमें ये बटर है, जो कि 2 टेबल स्पून के बराबर होगा या थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने पहले ऑयल कम डाला था, मैं एंड पे बटर डालूँगा। बटर डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो पहले ही ऑयल ज़्यादा डाल लें अगर आपको बटर ना पसंद हो। तो हमारा आलू बैंगन का सालन रेडी हो चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे, कुछ हम ऊपर से गार्निश के लिए रख लेंगे। चूल्हा ऑफ कर देते हैं और इस प्लेट में निकालते हैं। सालन मैंने निकाल लिया है प्लेट में। ये थी हमारी आज की रेसिपी। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं।
मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अपना और अपने इस छोटे से चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।